पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार पिछले 12 से 24 घंटे के भीतर जितनी भी बातें की गई हैं, उन बातों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और INDIA गठबंधन, या फिर कहा जाए तो लालू प्रसाद, दोनों के बीच में रस्साकसी मची हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि एक तरफ जहां ये चर्चाएं शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के घटक दल जो NDA का हिस्सा है, उनमें भी खलबली मची और नीतीश कुमार के आने के बाद परिस्थितियां क्या बदलेंगी, इन बातों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, जब नीतीश कुमार के NDA में शिफ्ट होने की सुगबुगाहट तेज हुई थी, चर्चाएं बढ़ गई थी, कयासों के बाजार में भाव सबसे ऊपर चल रहा था, हमने बताया था आपको कि नीतीश कुमार यदि NDA में शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां क्या परिस्थितियां होंगी, और सर्वे रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं उसमें नीतीश कुमार के रहने और नहीं रहने से क्या अंतर पड़ेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के बिना ये संभव नहीं है। अपने 2014 वाले रिकॉर्ड को भी नहीं दुहराती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में नीतीश कुमार चाहिए, और नीतीश कुमार चाहिए तो बाकी के घटक दलों के साथ क्या होगा। आपको याद होगा कि 17 तारीख को चिराग पासवान ने, 15 तारीख को जब वो हाजीपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित किए और वहां जो नजारा नजर आया, मंच पर पहली बार उन्होंने अपनी मां को खड़ा किया, तो ये बात साफ नजर आ रही थी कि चिराग पासवान अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे, और उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि NDA में कोई नया ट्विस्ट या परिवर्तन हो सकता है। नीतीश कुमार जिस तरह से सॉफ्ट होते जा रहे हैं और भाजपा जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के अपना एंगल बदल रही है, ऐसी स्थिति में 2020 वाली स्थिति पैदा हो सकती है। ये बातें सिर्फ चिराग पासवान तक ही सीमित नहीं थी। शक्ति प्रदर्शन के बाद जब चिराग पासवान 17 तारीख को भोज देते हैं तो वो सभी लोग पहुंचते हैं जिन लोगों को नीतीश कुमार के NDA में आने से परेशानी होगी। उंगली पर गिन लीजिए नाम, वो सारे नाम वही हैं जिनके आने से कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो NDA का बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन NDA के घटक दलों के लिए कठिन परिस्थितियां होगी, और सीटों के सामंजस्य के साथ साथ और बहुत सारी चीजें जो अपने हिसाब से अपने डिमांड रख रहे हैं उससे वो वंचित हो जाएंगे, क्योंकि तब नीतीश कुमार बड़े पार्टनर हो जाएंगे और ये सभी छुप जाएंगे। इस बात को लेकर के पटना में जब दही चूड़ा का भोज हुआ, उसके बाद अचानक से फ्लाइट में वो तीनों शख्स नजर आते हैं जो दही चूड़ा में शामिल है और NDA के घटक दल है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। ये तीन बड़े पार्टनर हैं अभी वर्तमान में NDA के। बिहार में इन पर बहुत बड़ा दारोमदार है वोट ट्रांसफर कराने का। चिराग पासवान अपनी शक्ति के प्रदर्शन के बाद ये बात एहसास करा चुके हैं कि वो अपने हिस्से का वोट ट्रांसफर कराने में सक्षम हो जाएंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, चुनाव के समय परिस्थितियां चाहे बदले या जो हो, लेकिन वर्तमान जो नजर आ रहा है उसमें साफ लग रहा है कि चिराग पासवान, हुजूम और भीड़ उनके साथ खड़ी है और ये वोट में ट्रांसफर हो सकता है। वहीं अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो वो भी एक दिन बैठ नहीं रहे हैं। जीतन राम मांझी और संतोष सुमन जो उनके पुत्र हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे दलित समाज का, मांझी का वोट ट्रांसफर कराया जाए, और अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो दलितों के वोट पर इनका एक छत्र राज होना संभव माना जा रहा है। वहीं कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस उम्मीद में मेहनत कर रहे हैं कि जब NDA के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, 3-4 तो जितनी भी सीटें उनको मिलेंगी उन सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिवाइव करने की जरूरत पड़ेगी और फिर से शुरुआत करने की जरूरत पड़ेगी। इन सारी बातों को लेकर के पटना की मीटिंग के बाद, एक दूसरे को तिलकुट और दही चूड़ा खिलाने के बाद, रात में एक तस्वीर सामने आती है फ्लाइट से होते हुए सीधे खिचड़ी खाने के लिए और खिचड़ी पकाने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं तीनों। चिराग पासवान के घर में खिचड़ी पकती है और उस खिचड़ी का स्वाद क्या होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से जब इस विषय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सामान्य सी मुलाकात है,
और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक लोगों की सभी मुलाकातें सामान्य होती है, अनौपचारिक होती हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है, तभी धुआं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने हालांकि इनकार किया है, लेकिन काराकट की सीट पर जिस तरह से उठा पटक चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के आने के बाद काराकट सीट का क्या फैसला होता है। ये सारी परिस्थितियां और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की देखी समझी है, चाहे वो 2015 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2020 हो, अब 2024 में क्या होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद आप कितना उस पर भरोसा करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा, चितन राम मांझी और चिराग पासवान की मुलाकात को आप कितना सहज और सामान्य मानते हैं या फिर राजनीतिक रूप से इसके कोई मायने हैं? क्वेश्चन आपके पास है, जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।